हेलो स्टूडेंट्स, आज हम न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे जिसका नाम क्या है, हीरोन्स फार्मूला। ओके, तो हीरोन्स फार्मूला के बारे में थोड़ा सा समझते हैं क्या होता है हीरोन्स फार्मूला, क्योंकि इसका नाम क्या है। हीरोन फार्मूला। ओके, अब इसका एक्चुअली बेसिकली यूज़ क्या करते हैं, इसका यूज होता है टू फाइंडिंग द एरिया ऑफ अ ट्रायंगल। किसी ट्रायंगल का हम एरिया निकालने के लिए इसका यूज़ करते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास क्या एक ट्रायंगल है ऐसा, ठीक, ए हमारा क्या ए है, ए बी है, ए सी है, और इसकी साइड को हमने मान लिया क्या ए, ये क्या हमारा बी है और ये क्या है सी है। तो अब इस टाइप के ट्रायंगल का एरिया निकालने के लिए हमें हीरोन्स फार्मूला की ज़रूरत होती है, क्योंकि एक ऐसा ट्रायंगल है स्केलन है। अब स्केलन ट्रायंगल्स को हम क्या जानते हैं, इन स्केलन ट्रायंगल ऑल आर डिफरेंट साइड, ठीक है। अभी तक हम लोगों ने देखा कि राइट एंगल ट्रायंगल अगर हमारे पास है तो उसका हम एरिया निकाल सकते थे, ये हमारा परपेंडिकुलर है, ये क्या है बेस है, तो एरिया क्या होता था 1/2 बेस इंटू हाइट ही होता था। लेकिन अब हम जब हीरोन्स फार्मूला की बात कर रहे हैं तो वहाँ पे हमारे पास इस टाइप का ट्रायंगल मिलेगा जिसकी सभी साइड या तो डिफरेंट अलग अलग है या तो इक्वल है, लेकिन हमें क्या है बेस और परपेंडिकुलर नहीं दिया है, ठीक है। अगर बेस और परपेंडिकुलर नहीं दिया है तो इस टाइप के ट्रायंगल का एरिया हम किस फार्मूला से लगाते हैं, हीरोन्स फार्मूला से लगाते हैं। हीरोन्स फार्मूला होता क्या है इसको देखते हैं। ये हमारा क्या होता है, जैसे हम क्या करते हैं कि एक ट्रायंगल हमारे पास है, उस ट्रायंगल में एक साइड ए हो गई, ये बी हो गई, ये सी हो गई, ठीक है। तो हम क्या निकाल लेते हैं उसका सेमी पेरी, एस पार क्या होता है सेमी पेरीमीटर, और पेरीमीटर क्या होता है किसी भी ट्रायंगल का पेरीमीटर क्या होता है सम ऑफ ऑल साइड, सभी साइड को ऐड कर लेते हैं। तो मतलब पेरीमीटर क्या होगा ए प्लस बी प्लस सी, और सेमी लगाया तो क्या करोगे टू से डिवाइड कर दोगे, ठीक। इस तरीके से भी क्या मिल गया कि किसी भी ट्रायंगल का हम सेमी पेरीमीटर निकाल लेते हैं। अब यहाँ पे देखो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, इस ट्रायंगल अंडर रूट के अंदर क्या लिखते हैं एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, मतलब एक फार्मूला तैयार हो गया, ये हमारा फार्मूला है। और इस फार्मूले के हेल्प से हम सारे क्वेश्चन करते हैं, मतलब क्या होता है कि अंडर रूट एस एस माइनस ए, मतलब वैल्यू को पुट कर देना है, एस को यहाँ पे पुट करो, फिर एस माइनस ए निकाल लो उसको पुट करो, फिर एस माइनस बी निकाल लो उसको पुट करो, एस माइनस सी निकाल लो उसको पुट करो, ठीक है। सारे वैल्यूज़ को पुट करके फिर हम क्या करेंगे, जो भी अंडर रूट में आया, मान लो अंडर रूट के अंदर 225 आ गया, ठीक, तो उसकी एरिया कितनी हो गई 15 सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर, यूनिट स्क्वायर, मतलब इस तरीके से निकालते हैं, ठीक है। तो ये तो हमारा हो गया हीरोन्स फार्मूला, और इसका प्रूफ तो आपके कोर्स में है नहीं, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसका यूज़ करेंगे।